एक उम्मीद जिसे लेकर तुम जी रहे हो। इतने दुख के बाद भी बार बार तुम्हारी नजरें जिस तरफ उठती है ना, तुम्हारे साईं की तरफ। यहाँ से तुम्हें धोखा नहीं मिलेगा बच्चे, मुझे पता है तुम किस परिस्थिति से गुजरे हो, तुम्हारी कैसी कठोर परीक्षा ली गई है इस समाज ने, लोगों ने, खासकर कहने को तुम्हारे परिवार ने। तुम्हें तपती हुई आग में फेंक कर चारों ओर से झंझोर कर जलाया गया, लेकिन उसके बाद भी तुम जीवित कैसे निकल जाते हो पता है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। लेकिन अगर अब कोई तुम्हें जरा भी ठेस पहुंचाने की कोशिश मात्र भी करेगा ना, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जो कर्म थे, जो लेखा जोखा था, जो होना था वो हो गया, पर आगे और नहीं। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। साईं के दरबार में हर बेसहारे के लिए सहारा है। तुम तो इतने प्यारे हो जिसके खुद के पास कुछ हो या ना हो, फिर भी सबकी मदद इच्छा रखने वाले तुम, तो तुम्हारी मदद मैं करूँगा। तुम्हें सामर्थ्यवान, गुणवान मैं बनाऊँगा। लेकिन एक बात, अपने मन में कभी भी अहंकार मत आने देना और हमेशा ईश्वर का शुक्रिया करके ही उठा करो। रात में सोने से पहले थोड़ी देर कोई भी जो तुम्हें पसंद है वो भजन सुनो, या फिर कोई भी गाना सुनो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो सुनो, और अपने मन को रोज शांत करके सोया करो। ऐसे बेचैन होने से, तड़पने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मैं खड़ा हूँ। तो घबराओ मत, अगर तुम कहोगे तो मैं आ जाऊँगा, सिर्फ तुम्हें दर्शन दे दूँगा। लेकिन तुम ये समझो, तुम जहाँ रहते हो ना, आसपास उस हवा में भी मैं हूँ, हर तरफ मैं हूँ। तुम्हें अकेला कहीं नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। जो हाथ उठाने की कोशिश करेगा वो अपने हाथों की कला को गवा बैठेगा। खुश रहो, बहुत खुश रहो।